अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्विमिंग पूल कैसे क्लीन करते हैं, और वो भाई साहब इधर आए हैं, तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना स्विमिंग पूल है और छोटा सा स्विमिंग पूल है। और इस स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए दो लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो चाचा यहाँ पर बांग्लादेश है, और ये जो भाई साहब है इन्हों इंडिया से। और यह है फिल्टर, और उसके ऊपर वॉल भी है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी वॉल है। और ये रहा फिल्टर और ये रहा स्विच। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर इन्हों क्लीन करते हैं, और वो वॉल भी अलग अलग यूज़ होता है। कभी रिवर्स पानी खींचता है, तो कभी अलग तरीके से पानी यहाँ पर खींचता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इन्हों कैसा यहाँ पर क्लीन करते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, बांग्लादेश हो ना? हाँ, ऑनलाइन में डाउनलोड है। चाचा आप बांग्लादेश हो ना? चाचा आपका मुंह दिखाओ। चाचा कितने साल से काम करे आप? 20 साल से, माशाल्लाह। और ये भाई साहब इंडिया से हैं? इंडिया से। आप कितने साल से काम कर रहे हो? 8 साल से, माशाल्लाह। एक भाई 8 साल से और ये चाचा 20 साल से, तो तनख्वाह दबाक है इंशाल्लाह। तो देखिए इन्हों कैसा क्लीन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अपना जो स्विमिंग पूल है, बहुत ही एक छोटा सा एक स्विमिंग पूल है, और सिर्फ घर वाले ही इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसा यहाँ पर क्लीन करते हैं। ये जो चाचा है यहाँ पर नीचे जो डंडा खिला रहे हैं, वो उसमें एक छोटी सी मशीन है और उससे पाइप जुड़ा हुआ है। आप शुरू में देखे होंगे, उस पाइप के ज़रिए वो नीचे की जो भी मिट्टी है वो सब निकालते हैं। और ये भाई साहब ऊपर से यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये भाई साहब ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, और वो जो चाचा है नीचे की जो मिट्टी रहता है, जितना भी मैला वगैरह था, वो यहाँ पर सब कुछ वो चाचा यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, ये जो भाई साहब है ब्रश का इस्तेमाल करके चारों ओर ऊपर नीचे सब तरह से यहाँ पर इन्होंने क्लीन किया है। और फाइनली अब रहा ऊपर वाला जो हिस्सा, जो पानी के ऊपर जो भी मैला वगैरह रहता है, जो कचरा वगैरह, सब कुछ इन्होंने एक छन्नी के मदद से उसको बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, इस बार अपना जो स्विमिंग पूल है ज़्यादा यहाँ पर गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह आ जाती है तो उस वक्त यहाँ पर बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर भी हम वीकली 2 टाइम्स हम अपना जो स्विमिंग पूल है उसको क्लीन कराते हैं। चाहे हम इसको यूज़ करें या ना करें, फिर भी हम वीकली 2 टाइम हम इसको क्लीन कराते हैं, और जो बाकी दिनों में हम खुद अपना जो स्विमिंग पूल है क्लीन करते रहते हैं। और ये देखिए, एक तरह का एक केमिकल है, और इसको पानी में इस्तेमाल करने से, यानी पानी में डालने से, पानी में कीड़े वगैरह बिल्कुल यहाँ पर नहीं होते। तो फाइनली अपना जो स्विमिंग पूल है सब कुछ क्लीन करने के बाद, जो केमिकल है उसको यहाँ पर पानी में फेंक देते हैं, और जैसे ही पानी में डालते हैं, कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा तरह से वो पिघल जाता है, पिघल के सब पानी में मिक्स हो जाता है। और कुछ देर तक जो पानी है, आपका ऐसा लगता है कि पानी में कोई दूध फेंके हैं, ऐसा दिखता है। और कुछ 1-2 घंटे के अंदर पानी इतना क्लीन होता है, इतना क्लीन होता है कि आप महसूस भी नहीं कर सकते कि आपका ये पानी पुराना वाला है। तो फाइनल यहाँ पर देखिए भाई साहब, इन्होंने जो वाल है सब कुछ यहाँ पर बंद करके, जो जिसको चालू करना है उसको चालू कर रहे हैं, और जिसे बंद कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये है रहा फिल्टर, और इसमें जो भी अब तक जो भी इन्होंने क्लीन किया, और इसके अंदर जो मिट्टी है वो आके यहाँ पर रुकी रहती है। आप डेली भी इसको क्लीन कर सकते हो, या फिर कभी कभार आप 10-15 दिन के एक बार भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर वो मशीन निकाल के फेंकी है, और छोटे छोटे पत्थर और जो भी मिट्टी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, और जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, इन्होंने पूरी तरह से जो स्विमिंग पूल है क्लीन कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, केमिकल भी इन्होंने यहाँ पर पानी में मिक्स किया है, और पानी का जो कलर देखिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। और कुछ ही देर के अंदर, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर ही ये पानी है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम नया पानी ही अभी थोड़ी देर पहले डाले हैं क्या, ऐसा। तो कुछ इस तरह से स्विमिंग पूल यहाँ पर क्लीन करते हैं। तो फाइनली ये रहा स्विमिंग पूल
क्लीन कैसे करते हैं एक छोटा सा वीडियो, और यहाँ पर इन्होंने चाचा भी जाने के लिए तैयार हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। तो ये रही उनकी गाड़ी। अरे रुको ना भाई, कुछ बोलो ना अपने सब्सक्राइबर के लिए। बताइए कुछ अपने सब्सक्राइबर के लिए, कुछ बताना चाहते हो तो। भाई शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहो, इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे।